शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चेकअप वगैरह कर लूँ। अजहर साहब बैठे हैं, मैं इनका ईसीजी करना चाहूंगा पहले। ईसीजी? ईसीजी करिए। बोलिए ई ई सी सी। बोलो जी जी, हो गया आपका? ठीक है। आज थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना अगली बार जब आप आएंगे तो मैं ए टू जेड सारा चेक कर दूंगा। आप एक मिनट खड़े होइए इमरान साहब, आइए प्लीज बैठिए। यहाँ कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? एक मिनट भाई, काम चल रहा है, चेकअप हो रहा है। तो ये क्या, इनको क्यों बिठा रहे इधर? बैठो जी बैठो, कंफर्टेबल? कंफर्टेबल ये क्या कर रहे हैं आप? मैं स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बिजी डे है भाई, बहुत कुछ करना है। ओहो, एक मिनट, आप अपनी पल्स दीजिए प्लीज। पल्स दीजिए प्लीज। चेक कर सकते हैं? वेरी नाइस। क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर उनका तो ठीक है, ठीक लग रही है वो? उनका ठीक है, मेरा हाई हो गया। छोड़िए उनको, आज तक छोड़िए उनको, हमारे मेहमान तंग कर रहे हैं आप। बदतमीज डॉक्टर, पता नहीं काहे का डॉक्टर है ये। हाई हो गया मेरा बहुत ज्यादा। मेरे को आज तक किसी ने इतना नजदीक से टच नहीं किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है? ये आपका स्टोर, ये प्लीज कैरी ऑन, ये प्लीज कैरी ऑन, मैं जरा एनेस्थीजिया लेता हूं। भाई इसकी ना दुकान नहीं चल रही इमरान भाई, जिसको पता नहीं बेचता कैसे, या तो इसको बेचना नहीं आता जी। इसको कुछ सिखा दो यार अपने कुछ टोटके, इसको भी कुछ थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा इसकी दुकान पे, थोड़ा इसकी चाय चलती नहीं है। आइए हम प्राची। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। चीनी थोड़ी कम कर दो, आपके होंठों से लगकर खूब मीठी हो जाएगी। ये देख ऐसे बेचते जाएं। आइए यहाँ पे आप ऐसे बेचने, इनके साथ ट्राई कीजिए अभी। आपकी नंबर। अच्छा अच्छा, आइए। चाय गिर जाएगी। एक मिनट मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए। हाँ जी मैडम, एक चाय देना भैया। मैडम आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, एक और ट्राई जी। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो दे दो। नकल में अकल चाहिए गुरु, अकल चाहिए। तेरे को एक सलाह देता हूँ, इधर ना राजधानी एक्सप्रेस निकलती 5 बजे, उसके नीचे आके मर जा। आओ आइए सर आप प्लीज, ये पागल आदमी है। तो लारा जो है बॉलीवुड से हैं और महेश जो हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। आपके घर में कुछ नहीं, उन लगा के दिया ना, उनको लगता है कि यूज भी करना, बीच में बात चल रही है यार कोई। लारा आपने एक स्पोर्ट्समैन से शादी करी है जी। बॉलीवुड में जो अभिनेत्रियां होती हैं, जहाँ तो क्रिकेटर से शादी होगी, जैसे आपने महेश जी से शादी की, ऐसा क्यों होता है, मतलब ये ऐसा ही क्यों? आई डोंट नो, लेकिन ज़्यादातर से जितने सारी पहले की अभिनेत्रियाँ थी उन्होंने सारे क्रिकेटर्स को ले लिए, तो टेनिस एक बात बचा था। फिल्म का ट्रेलर आप सब लोगों ने देखा ही होगा, फिल्म में इमरान भाई एक खास चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जो जाहिर सी बात है वो अजहर भाई की चाल है। लेकिन अभी हमारी ऑडियंस की ऐसी डिमांड है, उन्होंने मुझे आते पहले कहा था कि हम इमरान से वो वॉक जरूर देखना चाहते हैं, जैसे अजहर भाई चल के मैदान में आते हैं। हो जाए पहले तो मैं चाहता हूँ कि इमरान भाई और अजहर भाई साथ में चल के हैं, ताकि हम अजहर भाई आप वहां चले। अजहर भाई आप बड़े दिनों बाद आज बल्ला पकड़ना है।
रंगारंग चीयरलीडर से भरा पड़ा है। बैट्समैन का ध्यान बॉल पे कम, चीयरलीडर पे ज्यादा है। तो अभी मैदान में आ रहे हैं मोहम्मद अजरुद्दीन। मेरे यहाँ पे कितने दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि वो अजहर भाई की चाल को जैसे इमरान भाई ने कॉपी किया आप भी कर सकते हैं। कोई मेरा दोस्त यहाँ पे है? दो। ओके आ जाइए, आप भी आ जाइए। मुंह आपका राणा तुंगा जैसा है लेकिन फिर भी आ जाइए। और कोई मेरा दोस्त आइए, आप भी आ जाइए। तो ये आप अजहर भाई का स्टाइल कॉपी करते हैं कि मवाली हैं आप? पहले ये जाड़े वाले अजरुद्दीन। 1 2 3 स्टार्ट। अजहर भाई की चाल नहीं लगी, मुझे लगा इंज़मामुल हक किसी को मारने जा रहे हैं। ओके चलिए, ये एक सेकंड, इनके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। ये हैं हमारे कम बजट के अजरुद्दीन, अभी अभी जॉन्डिस से रिकवरी करके आए हैं जी। प्लीज स्टार्ट। गोबर तो नहीं लग रहा है। ओके एनीवेज आइए भाई साहब, 1 2 3 स्टार्ट। भैया आप तो आ गए, बकरियां कहाँ हैं? आपका क्या नाम है भाई साहब? आनंद। आनंद लेते हैं? बहुत बहुत लेता हूँ। आनंद आप कहाँ से आए हैं? थाने से। आपने आज लारा दत्ता को, प्राची को इतनी करीब से देखा, क्या फील हो रहा है अंदर? यकीन नहीं आ रहा। आप इतने प्यारे लोग, आपने इतना अच्छा अजहर भाई की वॉक किया। इधर बैठो आराम से, इधर बैठिए आराम से बैठो। चलो एक और, एक आम आदमी को और मौका दीजिए। उठ के आइए आप, अब लारा के पास बैठिए। आइए आइए भाई, भूल जाइए कि लारा की शादी हुई है, प्राची की तो वैसे भी नहीं हुई है। आपको मौका मिल रहा है डबल ट्रबल। क्या कहना चाहेंगे खूबसूरती के बारे में? आप बहुत खूबसूरत हो, मैं यकीन नहीं कर रहा आपके बाजू में बैठा हूँ। हेलो जी, महेश भूपति कहते हैं, मैं ना लोहे का रैकेट बना के ला रहा हूँ। आप यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया ब्रदर। चलो मैच खेलते हैं। अबे बदतमीज, तुझे दिख नहीं रहा यहाँ मेहमान आए हुए हैं? मेहमान? ओए होए 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 होए, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। कबू में ये एक बात है, जब से आप आए ना मोहल्ले में रौनक आ गई है, वरना डैडी की बासी मुंह देख देख कर मेरी तो ग्रोथ ही कम हो गई। बेटे इसी बासी मुंह ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। पाल पोस से कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है बेटे, मेहमानों के सामने बाप की बेइज्जती कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? आती है ना, मुझे उस दिन बहुत शर्म आई थी जिस दिन मामा ने कहा बेटे ये तेरे डैडी हैं। और बातें कर, और बातें कर, मजा आ रहा है। छोड़ो ना भैया, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अजहर सर एक क्रिकेट का सवाल आया है, पूछूं? पूछना। 50 पे दोगे क्या? अबे इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गया? 50 पे देंगे, मैं बैट लूंगा तभी तो क्रिकेट आएगा ना। सही बोला, दे दो। इतना दिमाग में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। प्राची आंटी से मांगूंगा, उनको बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर दो 100 रुपए। मैं पैसे नहीं लाई, सॉरी। छोड़ो पैसे की, छोड़ो, आप एक काम करो, आप
मेरी मम्मी बन जा। वो कह रहा स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते, आप आएंगी तो मेरी रिपोर्टेशन बढ़ जाएगी। हॉट मम्मी चाहिए। थैंक यू भाई, बस करो यार। ये शीशा क्यों लगाया हुआ है यार यहाँ पे? तब तुम ये डॉक्टर बन गए यहाँ पे, तुम क्यों घूम रहे हो? आपने तो कहा था डॉक्टर बनना है। तो सारे डॉक्टर ऐसे थोड़ी होते हैं। मैं क्या बताऊँ, हमने तो ऐसे डॉक्टर देखे हैं। मैंने वो तीन बातें कही थी याद है? मैंने सारी बातें याद कर ली हैं। बात नंबर वन, पहली बात तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं कुकर में दाल नहीं चढ़ानी क्योंकि सीटी बजती है तो ध्यान खराब होता है। बात नंबर दो, ऑपरेशन अंधेरे में करना है। अंधेरे में पेशेंट को देखोगे कैसे? पेशेंट को तो हम देख ही लेंगे, अगर पेशेंट ने हमें ऑपरेशन करते हुए देख लिया और वो काम सीख गया तो। बात नंबर तीन, बात नंबर तीन कुछ खास नहीं थी, मैंने याद नहीं की। वेरी गुड। हेलो, ये बता सकते हैं एड्रेस कहाँ है? मैं एड्रेस बताने के लिए डॉक्टर बना हूँ? एड्रेस कहाँ है किसी और से पूछो, यहाँ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। हाँ जी। आपको जान के खुशी होगी, मैं इंस्पेक्टर में आई हूँ। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर और भी ज्यादा मशहूर गुलाटी। देखिए बलविंदर जी कह गए हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। नहीं नहीं नहीं, बलविंदर जी नहीं, शेक्सपियर कह। शेक्सपियर ने बलविंदर को कहा होगा, मुझे बलविंदर ने बताया। चलो ठीक है, मुझे बताइए जो आपने पैसे लिए थे अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया आपने? वो देखने आए 1 करोड़ रुपए, आपने तो मेरे को 50 लाख बोला था। मैंने 2 बार 50-50 बोला था ना। तो मेरा हिस्सा भी 2 बार 5-5। चलिए ठीक है, देख लेती हूँ आप डॉक्टर हैं या नहीं, मुझे अस्पताल दिखाइए। चलिए आइए, प्लीज प्लीज आइए। ओहो, ये अस्पताल के साथ में पंचर की दुकान क्या कर रही है? आपके मरीज के बुलबुले चेक करते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब एक्चुअली क्या है ना कि मरीज आते हैं ना तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि साइकिल चलाओ तंदुरुस्ती रहती है, वो बहाना लगाते हैं, बड़े कमबख्त है, कहते हैं साइकिल पंचर है पंचर है, तो हमने पंचर की दुकान खोली कि पंचर लगा देते हैं तो हेल्दी रहो। विश्वसनीय, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए कि आपका ये ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? फोन वाइब्रेशन पे लगाना पड़ता है। ऑपरेशन थिएटर? जी हाँ। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ 9 से 12 की फिल्म चल रही है। क्या? हाँ जी। आप अपने ऑपरेशन थिएटर में फिल्में दिखाते हैं? इसमें गलत क्या है मैडम? आपने मुन्ना भाई MBBS देखी? उस फिल्म में संजय दत्त डॉक्टर बने थे। फिल्म बहुत चली ना। जब फिल्म में डॉक्टर चल सकता तो डॉक्टर के अस्पताल में फिल्म क्यों नहीं चल सकती? देखो इससे क्या होता ना कि जो आदमी मरीज है वो तो पहले दुखी है, तो जो लोग ठीक है वो तो एंजॉय करे। वाह क्या बात है, आप थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मुझे ये बताइए आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मैं बस बातों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मतलब ये कि ये हर चीज के स्पेशलिस्ट है। देखिए एक आदमी सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। नहीं नहीं मैडम, ये जगह अलग है, यहाँ हर आदमी 3-3 चीजों में स्पेशलिस्ट है। आप सिद्धू जी को देख लो कितने काम करते हैं, ये हमारा गिटार वाला देख लो, गिटार भी बजा लेता है सफाई भी कर देता है। तो आप भी अपना टैलेंट चेक कराओ, एक आध चीज निकलेगी आप में से, मैं कह रहा हूँ। हाँ सो आप कुछ ना कुछ निकलेगा, देखा निकला कि नहीं? एक बात बताइए दिल किस तरफ होता है? डिपेंड करता है, लड़की इस तरफ से आ रही थी दिल इधर है, इस तरफ से आ रही थी इधर है, लड़की पीछे से आ रही थी इधर है, तो दिल का क्या है? दिल तो पागल है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं, शाहरुख खान ने कहा है। जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, इतने चक्कर आ रहे हैं आपको जी? चक्कर आपको ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं? देखो अगर आपको ऐसे आ रहे हैं तो हम आपको उल्टा घुमा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे, और अगर फिर भी ठीक नहीं हुए तो ये सामने हमारे केमिस्ट है, उससे हम आपको दवाई ले देते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये आपके फार्मेसी की शॉप? फार्मेसी क्या? फार्मेसी मतलब? मतलब अरे केमिस्ट। हाँ केमिस्ट, केमिस्ट की दुकान तो ये है। देख दीजिए मुझे।
वेलकम टू द फार्मासिस्ट। मुझे ठीक है लग रहा है, मुझे तो ये मरीज लग रहा है शक्ल से। अगर मेरी शक्ल के बारे में किसी ने बात की ना, मैंने बता देना मैं चाय वाला हूँ। चाय वाला इसका सरनेम है चाय वाला, जैसे दारू वाला बाटली वाला वैसे चाय वाला। चलिए इनका टेस्ट लेती हूँ मैं। ये काम भी दवाई है, ये दवाई दीजिए मुझे। दो भाई दवाई दो। अच्छा अच्छा ये दवाई चाहिए आपको। शक्कर कितनी लेंगे आप? शक्कर दवाई में शक्कर? हाँ हाँ, इससे इससे जिस आदमी की तबीयत खराब होती है उसका मुंह मीठा हो जाता है। लेकिन पेशेंट का मुंह क्यों मीठा करवाते हैं भाई? इसमें कौन सी मुंह मीठा करवाने वाली बात हो गई? दवाई की कड़वी होती ना तो कई पेशेंट खाते रहते हैं, नहीं कड़वी है नहीं कड़वी, तो थोड़ा सा मीठा डाल के। हां इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं तो दवाई खुद बनाते हैं तो फिर एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं? मरीज को खिलाकर। लेकिन वो बीमार तो हो सकता है ना? तो बीमार हो गए तो है तो हॉस्पिटल में, उधर ही ठीक ठीक। मुझे इस केमिस्ट पे शक हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए मैडम, मैं छोटा डॉक्टर बड़ी बात कर रहा हूँ। शक का और अब खराब हुआ आलू का और लीक करती पानी की टंकी का कोई इलाज नहीं है। आपके प्रोफेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? मेन तो गैस ही होती है जी। क्यों? आप क्या मरीज को दवाई उबाल के देते? वेरी गुड आइडिया, दिस इज वेरी नाइस। डॉक्टर्स आई थिंक जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं दवाई जिनसे चबाई नहीं जाती उनको हमको दवाई उबाल के देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। जो बुजुर्ग पेशेंट है जो दवाई चबा नहीं सकते, अगर थोड़ा सा नींबू और चाट लाए तो बुजुर्ग मजा ले लेके खाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब, नोट कर लो जाके, नोट कर लो फटाफट। हाँ ये नोट करता हूँ मैं अंदर जाकर, क्योंकि बहुत बड़ा आइडिया है ये। जी जी आइए मैडम, आइए आपको अपने हॉस्पिटल का इंजेक्शन लगाए। खजूर, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अरे ये तो बच्चा है। तो बच्चों का डॉक्टर बच्चा ही होगा ना? अच्छा तो मतलब कुत्ते का डॉक्टर कुत्ता हो गया। देखिए ये आपने बड़ी कुत्ती बात बोल दी वैसे। देखिए कहना कि बच्चे जब आते हैं तो इंजेक्शन लगवाने से बड़ा कतराते हैं। आई नहीं लगाना नहीं लगाना। ये क्या बच्चों से दोस्ती करके ना यारी दोस्ती में ठोक देता है। वो तो ठीक है, ठोक दिया। कौन सा स्कूल है ऐसा जहाँ ये पढ़ के डॉक्टर बन गया? नहीं पढ़ाई का इसको शुरू से शौक नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉक्टर बना दिया। कुछ तो किया होगा, कोई डिग्री विग्री, जैसे MBBS हो गया, MG हो गया, इस तरह की कुछ तो डिग्री होगी। देखो मैडम आप बात को समझो, देखो डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, बच्चा जो होता है वो भी भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टर डॉक्टर बच्चा बच्चा भगवान भगवान ठीक होगा कि नहीं? देखिए आप हम पे शक ना करें, हमने 12 लोगों को एक बार ठीक किया है। अच्छा कैसे ठीक किया आपने बेटा, हमें भी बता दो। हम अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, उनसे पूछ लीजिए। देखिए बच्चा कह रहा तो किया ही होगा, वैसे भी बच्चे मन के सच्चे मेरे मामा जी ने कहा है। मामा जी ने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। मेरी मम्मी उनको भाई मानती हैं। देखिए अब तो आप बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। तो मैं बड़ा हूं ना, बड़ी फेंकूंगा, ये छोटा छोटी छोटी फेंकेगा। आप लेडीज फेंकेंगे, ये जेंट्स फेंकेगा, तो फेंकना फेंकाना तो चलता ही रहता है। आपको पता है ये बच्चा ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, लाइट चली जाती ना ये टेबल फैन बन जाता है। बनो भाई देखा। डॉक्टरी तो ब्लड में ही है हमारे। ये तो कुछ भी नहीं, कभी कभी एम्बुलेंस बहुत अच्छी बनता है बेटे, बन के दिखाओ। ये बंद करो ट्यों ट्यों, ये ट्यों ट्यों सुन के कोई पेशेंट आ जाएगा यहाँ पे। पेशेंट मैं भी इतनी देर से सोचू कि मैं क्या मिस कर रही हूँ, अब मुझे पता चला कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वाईफाई लगा हुआ है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और एक भी पेशेंट नहीं है? पेशेंट तो हाँ सारे हमने ठीक कर दिए जी, हो नहीं रहते हमने जबरदस्ती किए। वाह 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 डॉक्टर साहब क्या कवर किया, हमने सोचा था हम पकड़ेंगे। देख मैं हूँ तो कैसे पकड़े जाएंगे? पकड़े क्यों जाएंगे, आप नकली थोड़ी ना है। पर आप जितने सवाल पूछ रही, असली डॉक्टर भी 2-3 बार पकड़ा जाए। बहुत सवाल पूछती हैं आप। देखिए मुझे आप लोगों की बातों से सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे आईब्रो बनवाने जाना है, इसलिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइए, मैं साइन कर दूं। सर्टिफिकेट दे दो फटाफट। बचा लीजिए बचा लीजिए बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, इन्हें बचा लीजिए। तुम्हारा बाप तुम बचाओ, हम क्यों बचाएं भाई। अच्छा एक मेरा प्रश्न है, ये
औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े? ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है, आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी। अभी भी इनकी जेब चेक करो, दो संतरे निकलेंगे। मैं संतरे नहीं अमरूद यूज करता हूं। जी मेरा एक सवाल है। दो पूछ ले, सवाल है मेरा, एक सवाल क्या होता है, पूछ एक। तेरे पास सवाल ही है, जायदाद तो है भी नहीं। आई एग्री। जी सवाल क्या है आपका? जी फरम, मेरा एक सवाल है कि जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी गलत ड्राइविंग क्यों करती हैं? जितनी भी औरतें हैं यार, ये है कौन? सर मैं सवाल पूछूं क्या, रहने दो। जी आप जारी रहिए। जी जो औरतें हैं वो गाड़ी जो है गलत जगह क्यों पार करती हैं? आपको क्या प्रॉब्लम, आपके पास तो साइकिल भी नहीं है। देखिए पार्किंग में बाथरूम करने तो जाते ही है ना ये, तो आपको क्या, आपने किसी महिला की गाड़ी गलत पार्किंग में देखी? हाँ जी, अभी फराह खान जी ने लगाई है बार। नहीं नहीं, फराह जी गलत नहीं लगा सकते। ये आप किनकी तरफ हैं? इन्होंने गाड़ी पार्क किया, वहां तो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। क्यों फराह जी? तो आपका कहने का मतलब पार्किंग का बोर्ड गलत होगा, फराह गलत नहीं हो सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं जान दे दूंगा अगर फराह गलत हो। मैं इसी स्टेथोस्कोप से अपना गला घोट लूंगा अगर ये गलत। देखिए उनको मेरी जान की कितनी परवाह है। क्या बात है, स्टूडियो से बाहर मत आए। अरे स्टूडियो से बाहर नहीं, आपे से बाहर मत आओ बोलो। कोई दिल दे बैठा है और आपको आपे की पड़ी है। अच्छा फिर स्टेटोस्कोप देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। दो मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। दो मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए, मुझे इनको एक गंदी गाली देनी है। अब क्या? जी मेरा एक आप तो नहीं पूछेंगे ये कौन है? मेरा एक सवाल है, आप ये कौन है? कौन? मुझे बता ही नहीं रहा कौन है ये। जी तो सवाल आपका क्या है? मेरा एक सवाल है कि शादी मैं कौन हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मैं कौन हूँ? मैडम अब आपकी बारी। मेरा एक सवाल है, आपका बुखार चेक कर ले। चलो मेरा एक सवाल है कि शादी से पहले आदमी शेर होता है, लेकिन शादी के बाद शायर क्यों बन जाता है? वाह बड़ा ही बकवास सवाल पूछा वैसे आपने, पर आपने जिनकी तरफ ये इशारा किया है हम उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। मिस्टर सिद्धू, हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी शादी से पहले शेर होता है और नहीं होता? सिद्धू सर आ क्या आप हमारी टीम तो ज्वाइन करें इधर। हम उन पे भारी पड़ रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। वो आपकी कुर्सी कोई नहीं ले रहा आज है। आप बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी हमारे तीसरे गेस्ट पॉइंट से बाहर थे। मैं बैठ रहा हूँ, यहाँ बैठ रहा हूँ। जी थैंक यू सानिया। लगता पलट हो गया। ठोको ठोको। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो सिद्धू जी ने वो जवाब देने से इनकार किया है? बिल्कुल किया है, फालतू सवाल है। जी आप आगे बढ़िए। हमारा अगला सवाल यह है कि जो लेडीज हैं, आप लोग जो हैं, आप लोग इतने सारे सवाल पूछती क्यों हैं? आप लेडी हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो आप कर रहे हैं। हम तो अपना जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग की काफी आदत है। हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। लेडी सवाल पूछती क्यों है फारा? बताइए ना। कुर्सी पे बैठोगी तो ज्यादा लाइन मारेगा वो, मैं बता रहा हूँ। क्या
जैसा कि आपने देखा कुर्सी के लिए काफी मारा मारी चल रही है, तो एक बार फिर से अनजान व्यक्ति कुछ पूछना चाहेंगे। जी जी, मेरा सवाल है। क्यों है? आप कौन हो? ठीक है, जो औरतें मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं, लेकिन जब लड़का पसंद करना होता है तब भी इतना टाइम क्यों लगाती हैं वो? ताकि आपके जैसा पति ना मिल जाए। जैसा फटे दूध जैसा मुंह लेके वैसा ही सवाल पूछा आपने। मैं आपको खुद ही तर्क कहता हूँ, शट अप। जी अगला सवाल क्या है? जब भी लेडीज अपनी मनमानी करती हैं हमेशा, अपने हस्बैंड को सॉरी क्यों नहीं बोलती? सॉरी? जी, पहले आपने ये लफ्ज सुना कभी? अपने हस्बैंड के मुंह से सुना होगा। नहीं, वो भी नहीं बोलते। अब 12 साल हो गए शादी को, अब सॉरी का वक्त निकल गया ना। तो जैसा कि आपने सुना, 12 साल बाद सॉरी वोरी सब मोरी में चली जाती है। आपसी इक्वेशन काम आती है। जी, लड़कियां कभी दो आपस में सहेलियां नहीं हो सकती, और लड़के देखो कभी भी लड़ते नहीं है आपस में, है ना? क्या बात कही है। लेकिन जब से ये आए इनके मुंह से प्याज की बदबू बड़ी आ रही है। तेरे मुंह से भी लहसुन लहसुन में से फर्क नहीं पता क्या आपको? अरे चलिए, अरे चलिए चलिए, बड़ा दोस्ती दिखा रहे हैं तीनों। लड़ो भी, लड़ो मत, लड़ो मत। अब मैं तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहा हूँ। देखिए है, देखिए, अरे बस बस है, तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहा हूँ इधर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मामला हाथापाई तक पहुँच गया है, जूते चल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है, ये हटा लीजिए। सिक्योरिटी, आई एम द हरकुले। टार्जन, अबे तेरी बंसरी जैसी टांगे टार्जन बनाया। एक बार सानिया और फरा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सानिया, फरा मैम, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, और आज आपने सच्ची में चार चांद लगा दिए हमारे शो में। बहुत शुक्रिया। रौनक, फरा की आने वाली ढेर सारी फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और सानिया आपके फ्यूचर मैचेस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही भारत का गौरव बढ़ाती रहें। और एक सेल्फी एक आप दोनों के साथ। आप पहली बार हमारे शो में, आपको हमारा सेट अच्छा लगा ना? बहुत कपिल, मैं तो मुझे तुम्हारी हर चीज अच्छी लगती है। ओह स्वीट, थैंक यू फरा। मेरे को कुछ गिफ्ट लाना चाहिए था ना ये सेट के लिए। आपने खाना लेके आई? हाँ, मैं इस टाइम खाना लेके आई। सानिया, जाने से पहले प्रॉमिस करके जाइए, दोबारा कब आएंगी? उसका एक ही टूर्नामेंट रह गया, फ्रेंच ओपन जीतेगी तो पक्का आएगी। पक्का? हाँ, प्रॉमिस हो गया, हो गया। फ्रेंच ओपन जीतने वाली है। पेरिस में शो रख, पेरिस में शो रखना फ्रेंच ओपन जीतने के बाद। मेरा खुद बट सिद्धू जी, आप जरा टाइम पे आ जाना। ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। सेक्सोफोन पे जो खड़े हैं उस्ताद लोग, उस्ताद जी आज म्यूजिक का माहौल है, तो कुछ भी जुगलबंदी हो जाए जो आपका दिल करे।
क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब। पाजी एक बार मैंने कहीं इंटरव्यू में सुना रहमान साहब की किसी इंटरव्यू में कि ये अपनी फैमिली के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उस ज्योतिषी ने बचपन में इनकी कुंडली देख के कहा था कि ये लड़का जीनियस है, ये बहुत कुछ करेगा। सर कैन यू प्लीज टेल अस उन्होंने और क्या कहा था आपके बारे में या आप क्या करोगे आगे चल के? माय मदर एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वेंट टू आस्क अबाउट माय सिस्टर वेदर शी विल गेट मैरिड एंड ऑल दैट and yeah he didn't say that I'm going to come to couples this show oh, I wish he had said that what a kuchi kuchi rakma de Music legend Mr. A.R. Rahman. I am Dr. Mashur Gulati, BPBK, WID. What is your degree? Degree is bansuri pe bhi bhangra dalne wala doctor. I can dance on a bansuri bhangra because music is in my blood. Rahman sahab, dekho, what a coincidence. Uske baad hum ab jaake mile. Kiske baad? Uske baad? Kiske baad? अपना जब रहमान साहब ऑस्कर लेने जा रहे थे जी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे तो सामने हजार लोग खड़े हुए थे उनमें मैं आपको ऐसे ऐसे कर रहा था लोगों के पांव के नीचे आया हुआ था। अच्छा व्हाई स्टैंडिंग डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज दैट्स व्हाट आई एम डूइंग कम सिट देयर ना नीचे नीचे ऐसे कौन बिठाता यार आपको क्या लग रहा है मैं आपको अपने सोफे बिठाऊंगा आपको इतने बड़े लेजेंड आए क्या बाल खिले सर पे खरगोश रख के आ गए काम की बात करो सीधी बैठ के बात करो ना आप डॉक्टर ये फेक है मेरा बहुत ज्यादा नाम है मेरा लोग कहते भी डॉक्टर भगवान का रूप होता है मैं कहता नहीं पेशेंट भगवान का रूप होता है क्योंकि जो पेशेंट होता है ना उसी से हमारी इनकम आती है अदरवाइज हम कहाँ सर्वाइव करेंगे पेशेंट इज मेन I tell you one incident, but I won't take the name of the lady. She was from Singapore. नहीं तो सुषमा की बदनामी हो जाएगी तो मैंने तो you know that lady उसके साथ मेरा दिल लग गया patient थी तो love वगैरह we started and all that. She fell in love with you. Very much. And she said, doctor, let's get married. मैंने कहा ओके बट उसके हस्बैंड को ये आइडिया पसंद नहीं आया इट डिड नॉट हैपन उसके हस्बैंड ने क्या बोला फिर आपको उसने मुझे बोला तो चलता लेकिन उसने बोला कुछ नहीं उसने ना मेरे को जमीन पे लेटा के ना ऐसे राइड दिया उसने मेरे को ही गिव मी अ राइड लाइक दैट दैट इज नॉट राइड दैट इज मार पीट घसीटा ऐसे पकड़ के अच्छा उसमें ऐसे बाल पकड़ के जो जमीन पे लेटा देते हैं हाँ फिर ऐसे ऐसे करके घसीटते हैं हाँ. मुंह के ऊपर जूता रख लेते हैं ऐसे हाँ. फिर उसने मारा पीटा था योर राइड मेरे को लगा राइड आई कैन नॉट फॉरगेट माय प्रोफेशन एज अ डॉक्टर मिस्टर रहमान आई विल डू योर म्यूजिकल नोट टेस्ट रहमान साहब के हाई नोट्स सुन लिए ना आपने आप उड़ जाओगे मैं कह रहा हूँ मैं उड़ जाऊंगा हाँ लाइक ए डायमंड इन द स्काई भाग यहाँ से आई टेक योर लीव मिस्टर रहमान आई हैव टू गो Because I have a busy day, I have to see patients also. Khajur! Khajur! I will not spare part him today. Khajur! ये आप चलते शो में कैसे घुस रही हैं आप? Oh my God! Introduction, please. रहमान सर ये टीचर है हमारे बगल में एक स्कूल है शी इज अ टीचर लेकिन यहाँ पर एक मुर्गा आया हुआ है टी स्कूल से भागकर कहाँ छिपा तो कहाँ है लेट मी या ये रहा यू जस्ट शट अप एंड सिट अप ओके तुम्हें मुर्गा बनाया था ना तुम खड़े कैसे हो गए मैडम वो आपका इलाका था और ये मेरा इलाका है और अपने इलाके में तो मुर्गे भी शेर होते हैं अच्छा आ गए गुरु ठोको ताली खड़े सी लुक एट दिस किड सर लुक एट दिस किड मतलब सर जैसे म्यूजिक क्लास शुरू करो ना इसको बाथरूम आ जाता है सर
मैं इसको हारमोनियम सिखा रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स. इसको एक भी नोट बजाना नहीं आया अभी तक. कौन सा हारमोनियम सिखा रही हो जब देखो उसमें हवा भरती रहती हो. और ऊपर से हारमोनियम भी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का, एक ही ब्लैक एक ही सफेद. अरे रंग बिरंगा हारमोनियम लाओ ना. सी सी आई विल ब्रेक योर विटामिन सी. इतना डांटती है. एक दिन उन्होंने मुझे बांसुरी दी बजाने के लिए. अरे बजाओ तो बजाओ कैसे, उसमें इतने छेद थे कि मेरे सारे हवा निकल गए. देखा रहा मैं सर, एक गरीबी के कारण कैसी टीचर से पढ़ना पड़ रहा है. एक मिनट, कुछ इमोशनल बात है. फॉर यू कैन इंफॉर्मेशन, मेरे मैम के इलाज के लिए कुछ चंदे दे दीजिए. कैश नहीं, क्रेडिट कार्ड है. इसे क्या समझ आएगा, एक नंबर का गधा एक खजूर. ये जो तुमने मेरे इलाज की बात की है ना, नाउ यू विल सी आई रेन माई एंगर. क्या हो गया आपको? क्या आप इतना भयंकर रूप ले गए आपने? आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे क्या हुआ? हुआ क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू. मेरी मौसी को लड़का हुआ है, मेरे पड़ोस में गाय को बछड़ा हुआ है, अलाहाबाद में दंगा हुआ है, जलंधर में पंगा हुआ है. अरे सबको सबको मुझे पूछने, दो रुपए का अखबार लेके पढ़ नहीं सकते आप? How can I forget that? Beggars can't buy happiness. Sir, can I join your music team as a lyricist? Music के बारे में बताओ, आपको कितने सुर होते हैं? सुर सब पता है मुझे. सारे गाधा नीसा. सारे गाधा नीसा. सारे गामा. मापा किधर गए? नहीं मापा तो फिल्म देखने गए हैं ना. Sir, I want to ask you one thing, sir. Everyone knows that you're a master of instruments. Sir, why is this racism? Why is this discrimination between tabla? One is big and one is small. Sir, the small one needs to grow up. Sir, he's little. That's why every tabla wala beating him and beating him and beating him. He can't say anything. That's why, sir. Please. Demand badhti ja rahi hai, sir. Thank you. Thank you, sir. Good job, Sugandha. I'm so proud of you. Thank you so much. मेरे students आ गए हैं, मुझे जाना है. Thank you. एक बार रहमान साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. रहमान साहब, आप हमारे शो में आए और जैसे सिद्धू भाई ने कहा, आज वाकई आपने अपनी प्रेजेंस से हमारे शो का स्तर बढ़ा दिया है सर. जोरदार तालियां हो जाए रहमान साहब के लिए. आइए सर. थैंक यू सो मच. रंग दे बसंती चोला माँ मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माँ मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए, रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए, रंग दे बसंती.